हो गया। अच्छा इसके बाद हमारे पास क्या था, मैं खाली इसको आपके लिए पढ़ देता हूँ। ग्रीडी एल्गोरिथम अप्रोच क्या है, डिसीजन आर मेड फ्रॉम द गिवन सॉल्यूशन डोमेन। पहली बात तो ये है कि जो ये डोमेन के बाहर नहीं सोचता, जो उसको गिवन डोमेन होता है वो सिर्फ उसके अंदर ही सोच रहा होता है। ठीक है बेटा, किसी और को सुनने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बता सकते हैं। सबको क्लियर वॉइस आ रही है? तहानूर आपका माइक ऑन नहीं है, आपके माइक का प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे पास भी यहाँ शोर है, आपका माइक और स्पीकर का प्रॉब्लम है, काइंडली आप अपने पास चेक कर लें। ठीक है अच्छा आगे चलते हैं। तो गिवन डोमेन के अंदर, गिवन डोमेन क्या होता है, गिवन डोमेन से मुराद ये है कि आपको याद होगा कि मैंने आपको एक जनरल स्टोर की एग्जाम्पल दी थी किराना की, तो उसके अंदर जो उसका एक गिवन डोमेन था वो क्या था, वो जो उसका हिसाब किताब था। ठीक है, जो उसने सिर्फ और सिर्फ किसका हिसाब किताब रखा हुआ था, जो उसके पास बायर्स आ रहे हैं, जो उसके पास चीजें खरीदने के लिए आ रहे हैं, और जो सिर्फ बोरो कर रहे हैं, बाकियों का उसने हिसाब उसमें नहीं रखा हुआ था कि मैंने मंथली कितनी इनकम ली, कितनी चीजें खरीदी हैं और कितनी चीजें जो है वो मैंने सेल करी हैं, और सेल करने के बाद मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ऐसा कोई हिसाब नहीं था। तो गिवन डोमेन क्या था उसका, उस गिवन डोमेन में रहते हुए हम ग्रीडी अप्रोच को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बीइंग ग्रीडी द क्लोजेस्ट सॉल्यूशन दैट सीम टू प्रोवाइड एन ऑप्टिमियम सॉल्यूशन इज चूजन। तो जो भी ऑप्टिमियम सॉल्यूशन होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑप्टिमियम सॉल्यूशन क्या है, इसमें अगर मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को एक एग्जांपल दी थी, बात से बात है तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि लास्ट क्लास में मैंने एक एग्जांपल दी थी आपको कि मुझे जो है वो 12 केजी का फिगर जो है वो कंप्लीट करना है। तो मेरे पास एक 9 केजी एक बास्केट है जिसमें 12 केजी आ सकते हैं, और मेरे पास जो है वो 3 वेट्स हैं, एक है 9 केजी, एक है 7 केजी और एक है 5 केजी। ठीक है, तो ग्रीडी अप्रोच में क्या होता है, ऑप्टिमियम सॉल्यूशन की तरफ जाता है। ऑप्टिमियम सॉल्यूशन में ग्रीडी में लालच की तरफ जाएगा तो क्या करेगा, मैक्सिमम लोड उठाएगा, यानी कि मैं ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सकूं। तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या हासिल करेगा, 9 केजी। लेकिन 9 केजी हासिल करने के चक्कर में क्या होगा कि वो सिर्फ एक 12 केजी की बास्केट जो है वो सिर्फ 9 केजी ही यूटिलाइज हो पाएगी, बाकी जो 3 केजी है वो उसका लॉस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरे अप्रोच पे जाएं कि हम 7 केजी उठाएं और 5 केजी उठाएं, तो हमारे 12 केजी का जो फिगर है वो कंप्लीट हो जाएगा और हमारी जो है वो बास्केट जो है वो जो पूरी कवर्ड हो जाएगी, यानी पूरा 12 केजी वो हम उसको कंज्यूम कर लेंगे। तो ये तो थी ग्रीडी अप्रोच, पहली वाली ग्रीडी अप्रोच थी, 9 केजी वाली, 7 केजी वाली ग्रीडी अप्रोच नहीं है। ठीक है, तो ग्रीडी एल्गोरिथम ट्राई टू फाइंड अ लोकलाइज्ड ऑप्टिमम सॉल्यूशन व्हिच मे इवेंचुअली लीड टू ग्लोबली ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशंस। हाउएवर जनरली ग्रीडी एल्गोरिथम डू नॉट प्रोवाइड ग्लोबली ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर भी कि जो लोकली जो हमारा डोमेन है उसके अंदर रहते हुए वो आपको एक ऑप्टिमियम सॉल्यूशन तो दे सकता है, लेकिन ग्लोबल सॉल्यूशन नहीं दे सकता। ग्लोबल सॉल्यूशन से क्या मुराद है आपकी, कि जो आपके पास, देखें ग्रीडी अप्रोच में क्या हुआ कि आपके पास उसने सिर्फ 9 उठा लिया, 7 और 5 नहीं उठाया। ठीक है, तो 7 और 9 भी अगर वो उठा सकता होता तो ग्लोबल सॉल्यूशन, यानी कि किसी भी तरह का वेट आ जाए, कोई भी वेट आ जाए, वो 12 केजी को ऑप्टिमियम सॉल्यूशन की तरफ लेके जा सकता है, लेकिन ऑप्टिमियम सॉल्यूशन की तरफ लेकर नहीं जा रहा। क्यों नहीं लेके जा रहा, क्योंकि ये लोकलाइज्ड ऑप्टिमियम सॉल्यूशन देता है, ग्लोबल समटाइम्स ग्लोबल सॉल्यूशन देता है और समटाइम्स ग्लोबल सॉल्यूशन नहीं देता। तो ग्रीडी अप्रोच में हमारी इस बास्केट वाले एग्जांपल के अंदर हम जो है वो एक तरह से फिक्स हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो सिर्फ 12 केजी की बास्केट के लिए 9 केजी उठा रहा है। आगे चलते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है काउंटिंग क्वाइंस की। ठीक है, तो काउंटिंग क्वाइंस की एग्जाम्पल के अंदर अच्छा पहले हम प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं, फिर इसको देखते हैं कि ये प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकाला ग्रीडी अप्रोच के थ्रू। द प्रॉब्लम इज टू काउंट टू अ डिजायर्ड वैल्यू बाय चूजन द लीस्ट पॉसिबल कॉइंस एंड द ग्रीडी अप्रोच फोर्सेस द एल्गोरिथम टू पिक द लार्जेस्ट पॉसिबल कॉइन। यानी कि ये कह रहा है कि एक प्रॉब्लम है जिसमें हमें काउंट करना है डिजायर्ड वैल्यू, और हम करेंगे कि लीस्ट पॉसिबल कॉइंस, ज्यादा से ज्यादा जितने कॉइंस हम हो सकता है वो हम उठाएं, लेकिन ग्रीडी अप्रोच जो है वो फोर्स करती है कि सबसे पहले सबसे बड़ा कॉइन उठाए, ये लालच है ना। ठीक है, इफ वी आर प्रोवाइडेड कॉइंस ऑफ, ये कौन सी करेंसी लिखी हुई है, इंडियन है, अच्छा, इफ वी प्रोवाइडेड कॉइंस, कहां गया, ठीक है, इफ वी आर प्रोवाइडेड कॉइंस ऑफ 1, 2, 5 and 10, यानी कि ये देखिए ये करेंसी है, आपको पहले मैं समझा दूं, चले मैं इसको समझाता हूँ थोड़ी देर में। एंड वी आर आस्क्ड टू काउंट
12 देन द ग्रीडी प्रोसीजर विल बी, यहाँ पे रुक जाते हैं। देखें इसमें वो ये कह रहा है कि आप अपने पाकिस्तान की करेंसी को ले लें, तो हमारे यहाँ पे हमारी कंट्री की करेंसी के अंदर एक होता है, दो होता है, पांच होता है, दस होता है, ठीक है, यानी कि एक का सिक्का होता है, दो का सिक्का होता है, पांच का सिक्का होता है और दस का नोट होता है, ठीक हो गया। और अगर हमें 18 की काउंटिंग करनी होती है तो हम क्या करते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली वही बता रहा है कि ये एक करेंसी है, ठीक है, जिसके अंदर एक हम पाकिस्तानी करेंसी की एग्जांपल लेते हैं, ये पीकेआर है, मैं यहाँ पीकेआर ले देता हूँ, तो पीकेआर के अंदर हमारे पास एक का कॉइन होता है, दो का कॉइन होता है, पांच का कॉइन होता है और दस का नोट होता है। अब हमारे पास करेंसी की ये करेंसी अवेलेबल है, अब हमसे कहा गया है कि हमें काउंट करना है कितना, 18, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हैंड रेस कर सकता है और चैट में ही बता सकता है, वैसे बेहतर ये कि हैंड रेस कर ले, चैट में ही बता दे, इट्स ओके। अब हमें क्या करना है कि हम ग्रीडी अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं, हमें एक प्रॉब्लम दी गई है कि भाई आपके पास ये चार कॉइन अवेलेबल है, चार तरह की करेंसी के कॉइन्स अवेलेबल है, ठीक है, अब आपने इससे 18 बनाना है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेगा जो ग्रीडी अप्रोच है वो हमारी क्या करेगी, सबसे पहले क्या करेगी, सिलेक्ट करेगी 10 कॉइन्स, 10 नंबर का जो कॉइन है, ठीक है, और वो 10 नंबर कॉइन क्यों चूज करेगी, क्योंकि हम ग्रीडी अप्रोच की तरफ जा रहे हैं, ग्रीडी क्या करती है, सबसे लार्जेस्ट पॉसिबल कॉइन को पिक करेगा। अब पीछे कितने रह गए, द रिमेनिंग काउंट इज 8, देन सिलेक्ट 5 कॉइन। देखिए अब पहले ग्रीडी अप्रोच ने देखा कि उसके पास 1, 2, 5 और 10 है, अब उसने क्या किया, सबसे पहले इसके अंदर से देखा कि जो 18 के सबसे नियरेस्ट कौन सा कॉइन है, तो 18 के सबसे नियरेस्ट कॉइन जो है वो 10 है और सबसे लार्जेस्ट कॉइन है, तो उसने कहा कि सबसे पहले सबसे लार्जेस्ट कॉइन उठा लो ताकि 18 जल्दी से जल्दी फिल हो जाए, ये एक लालच है ना, ग्रीडी अप्रोच है। तो उसने क्या किया, उसने 10 पिक कर लिया, 10 पिक करने के बाद अब उसके पास क्या बचा, 10 पिक करने के बाद अब वो कह रहा है कि भाई 18 में से 10 गए तो पीछे बचे 8, तो अब मुझे रिमेनिंग 8 भी काउंट करना है, तो अब 8 काउंट करने के लिए हम 10 तो दोबारा नहीं ले सकते जो कि हमारी लार्जेस्ट वैल्यू थी, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो है वो दूसरी इसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू जो हमारे पास मौजूद है हम वो देखेंगे। अल्लाह जी, ताहा कुछ कहना चाह रहे हैं आप जी, ताहा कुछ कहना चाह रहे हैं आप, अच्छा नहीं, इट्स ओके, अच्छा उसके बाद क्या हमारे पास, ये तो हो गया 10 कॉइन्स, 10 भी ले लिए, अब वो ये कह रहा है कि मेरे पास जो रिमेनिंग कॉइन बचे हैं वो 8 बचे हैं, तो अब 8 जो रिमेनिंग कॉइन बचे हैं उसको फिल करने के लिए जो हमारे पास करेंसी है उसमें 10 तो उसको उसके इक्वल नहीं आ सकता क्योंकि 10 तो 8 से बड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरा बड़ा कॉइन उठाना पड़ेगा क्योंकि हम ग्रीडी अप्रोच की तरफ जा रहे हैं, तो बड़ा कॉइन दूसरा कौन सा है, 5 है, ठीक है, तो हमने क्या किया, देन सिलेक्ट 1, 5 कॉइन, 5 नंबर का एक कॉइन हमने सिलेक्ट कर लिया, तो अब हमारे पास रिमेनिंग कितने बचे, 3 बचे, ठीक है, तो जब 3 हमारे पास आया तो फिर हम कौन सा वाला बड़ा कॉइन बचा हमारे पास, वैसे तो 10 और 5 भी है लेकिन वो हम नहीं उठा सकते क्योंकि वो 3 से बड़े हैं, हमें 3 या 3 से छोटा उठा सकते हैं, तो 3 या 3 से छोटा हमारे पास कौन सा है, 2 है, तो हमने एक 2 नंबर का कॉइन उठा लिया, फिर हमारे पास कितना बचा, 1, तो फाइनली हमने क्या किया, द सिलेक्शन ऑफ 1 कॉइन सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या किया, हमने एक तरीकेकार अपनाया, स्टेप्स को फॉलो किया, स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर्स को, ठीक है, और उसके थ्रू जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया 18 को, इट सीम टू बी वर्किंग फाइन, फॉर दिस काउंट वी नीड टू पिक ओनली 4 कॉइन्स, अच्छा बट इफ स्लाइटली चेंज द प्रॉब्लम, यहाँ पर एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाली चीज ये है कि देखें हमारे पास जो करेंसी अवेलेबल थी, जो कॉइन्स अवेलेबल थे बीकेआर के अंदर, वो था 1, 2, 5 और 10, ठीक हो गया, और जो हमें गिवन प्रॉब्लम थी वो थी 18, ठीक हो गया। अब 18 के सर्कमस्टेंसेस के अंदर जो ग्रेडी एल्गोरिथम था हमारा बड़ा परफेक्टली काम किया उसने, उसने क्या किया, मिनिमम 4 स्टेप्स के अंदर हमें 18 का काउंट पूरा करके दे दिया इस करेंसी के अंदर, इट्स वेरी गुड एंड फाइन, बट ओनली इन दिस सिनेरियो, ठीक है, लेकिन अगर हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज कर दें तो क्या होगा, लेट्स सी। अब ये कह रहा है कि बट इफ यू स्लाइटली चेंज द प्रॉब्लम देन द सेम अप्रोच में नॉट बी एबल टू प्रोसीड द सेम ऑप्टिमम रिजल्ट। अभी ऑप्टिमम रिजल्ट क्या आया आपका, कि आपने सिर्फ 4 स्टेप्स के अंदर, यानी कि आपका जो एल्गोरिथम है वो सिर्फ 4 स्टेप्स के अंदर जो है वो उसने आपको आपका सोल्यूशन ला के दे दिया, और आई थिंक इट्स वेरी ऑप्टिमल सोल्यूशन, ठीक है, बट
फॉर द करेंसी सिस्टम वेयर वी हैव कॉइन्स ऑफ 1, 7 एंड 10। अब ये कह रहे हैं कि जस्ट सपोज हमारे पास एक करेंसी है जिसके करेंसी कॉइन्स है हमारे पास 1, 7 और 10, ठीक है। तो इस करेंसी के अंदर कौन कौन से कॉइन्स अवेलेबल है, 1, 7, 10। दुनिया में होगी कोई करेंसी जिसके कॉइन्स जो है वो 1, 7, 10 होंगे, ठीक है, वैल्यू। अब ये कह रहा है कि काउंटिंग कॉइन्स फॉर वैल्यू 18 विल बी एब्सोल्युटली ऑप्टिमियम। अगर मैं बात करूं कि इस कॉइन्स की जो कैटेगरी है या इस करेंसी के जो कॉइन्स हैं उससे अगर मैं 18 कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मेरे ख्याल में ये ऊपर वाले से भी ऑप्टिमियम रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ 3 स्टेप के अंदर जो है वो इसको सॉल्व कर लेगा, ठीक है। बट फॉर काउंट लाइक 15, अगर मैं इस करेंसी से 15 काउंट करना चाहता हूं तो क्या होगा, इट मे यूज मोर कॉइन देन नेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल द ग्रीडी अप्रोच विल यूज 10, 1, 1, 1, 1, 1, ठीक है। तो ये कितने स्टेप्स में गया, यहां पे मैं आपको बताता हूँ, 10। सबसे पहले इसने जो है वो एक ले लिया ग्रीडी अप्रोच को अप्लाई करते हुए, सबसे बड़ा कॉइन उठाया 10, ठीक है। और उसके बाद इसने क्या किया, अब उसको पता है कि जब मैंने 10 पिक कर लिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो 10 जब पिक कर लिया तो रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास, 5, ठीक है, रिमेनिंग 5 है। तो जब हम रिमेनिंग 5 है, लेकिन हमारे पास जो कॉइन है, जो मैक्स बड़ा कॉइन है वो है 7 का, तो 7 का कॉइन तो हम उठा नहीं सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें 5 कॉइन पूरे करें, तो 5 का कॉइन तो हमारे पास है नहीं, तो अगर हमारे पास 7 का कॉइन है, 7 का कॉइन हम ले नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो एक जो 1 का कॉइन है इसको 5 दफा हमें ऐड करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल कितनी दफा हमें कॉइन पिक करने पड़े, हमें 6 दफा कॉइन की पिक करें, तो कितने स्टेप्स हो गए हमारे पास, 6 स्टेप हो गए। तो आप देखें कि ऊपर वाले रिजल्ट के अंदर तो बड़ा जबर 18 के मामले में, तो उसमें ये एक बाय चांस है, अगर मैं यहाँ पे 17 कर दूं या 16 कर दूं तो और ज्यादा मुश्किल रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इट डिपेंड समटाइम्स, वो देखें जैसे ऊपर बताया गया कि ग्रीडी अप्रोच जो है वो समटाइम्स लोकलाइज के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन जनरली हर दफा, जनरल से बना दिया था ग्लोबली, ये हर दफा ग्लोबल के अंदर जो वैल्यू चेंज होती है तो रिजल्ट इसका जो है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा इसने कि हमें कितने स्टेप्स लेने पड़े, 6 स्टेप। अब ये कह रहा है कि वेयर द सेम प्रॉब्लम कुड बी यू सॉल्व बाय यूजिंग ओनली 3 कॉइन्स, लेकिन अगर हम देखा जाए तो ये प्रॉब्लम जो है, अगर हम ग्रीडी अप्रोच ना लगाएं तो ये प्रॉब्लम जो है वो 3 स्टेप में सॉल्व हो सकती थी। कैसे, कि आपके पास 7, 7 प्लस 7 प्लस 1, यानी कि 3 स्टेप्स के अंदर आप जो है वो अपना 15 ऐड कर सकते थे, ठीक हो गया। अच्छा, यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स, कि असल में ग्रीडी अप्रोच से जब हम ग्रीडी अप्रोच अप्लाई करेंगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हमारे पास एक प्रॉब्लम जो सॉल्व हो रही है वो कितने वे से सॉल्व हो सकती है और सॉल्व नहीं हो सकती, और अगर सॉल्व हो सकती है तो कितनी ऑप्टिमियम सॉल्व हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो लोकलाइज प्रॉब्लम की बात कर रहे थे और जो ग्लोबल प्रॉब्लम की बात कर रहे थे कि ग्रीडी एल्गोरिथम में नॉट वेल परफॉर्म ऑन ऑल ग्लोबल प्रॉब्लम्स, ठीक है, सारी जितनी भी ग्लोबल प्रॉब्लम्स है सब पे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता ये, यहाँ सारी ग्लोबल प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं देता ये, यहाँ पर जैसे इसने जो है वो ऑप्टिमियम सोल्यूशन नहीं दिया, तो इससे क्या होगा, आपके सिस्टम की प्रोसेसिंग पावर जो है वो ज्यादा यूज होगी, ठीक है। हेंस वी मे कंक्लूड दैट ग्रीडी अप्रोच पिक्स एन इमीडिएट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन, यानी कि ग्रीडी अप्रोच में क्या होता है, लालच में क्या होता है कि इंसान जो है वो हमेशा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन की तरफ जाता है, ऑप्टिमाइज सोल्यूशन यानी कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ले ले, ठीक है ना। अगर हम मैं बात करूं कि अगर हमें यहाँ से जो हमारे अगर मुझे ट्रेवल कर रहे हैं एयरपोर्ट टू सेंटर ऑफ द सिटी जो सदर है हमारे पास, तो अगर मुझे बहुत जल्दी पहुंचना है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्पीड उसकी तेज चलाता हूँ, मैं लालच है कि मैं जल्दी पहुंच जाऊँ, ठीक है, लेकिन ये ऑप्टिमाइज सोल्यूशन नहीं है इसका, ठीक है। ऑप्टिमाइज सोल्यूशन क्या है कि आप स्लो जाएं, अगर आप तेज जा रहे हैं तो हो सकता है कि आप तेज जाने के चक्कर में कोई और प्रॉब्लम ना क्रिएट कर लें, ठीक है। तो लालच है ना वो आपकी, मैं तो वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे आप स्लो चलाया करें बाइक या गाड़ी जो भी है, एंड मे फेल वेयर ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन इज अ मेजर कंसर्न, ठीक है। देखें ग्लोबली क्या है, ऑप्टिमाइज नहीं है, ग्लोबल ऑप्टिमाइज हमारा मेजर कंसर्न है, जहाँ पे ये ग्रीडी अप्रोच जो है वो हमारी फेल हो रही है, ठीक है।
इमीडिएट सोल्यूशन तो दे देता है वो आपको फौरन से, लेकिन बाद में जाके क्या वो इमीडिएट सोल्यूशन नहीं देता। आपको ये चीजें समझ में आएंगी जब हम लोग इसको ग्राफ पे इम्प्लीमेंट करेंगे कि हमारे, अगर आपको याद हो कि अगर शुरू के अंदर जो हमारा ग्रेडी एल्गोरिथम है बड़ा अच्छा काम करेगा। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये ग्राफ में जो हमने लास्ट क्लास के अंदर इनपुट और टाइम का हमने जो कंपैरिजन पढ़ा था, तो उसके इनपुट और टाइम के कंपैरिजन के अंदर जो ग्रीडी एल्गोरिथम है उसमें मैंने कुछ एग्जांपल दी थी, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। तो कोई अगर मेरा होनहार स्टूडेंट मुझे दिखा दे, बता दे क्या चीज़ मैंने उसमें डिस्कस की थी। कहाँ गया, एक मिनट। ठीक है, मैं ये शेयर कर रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट बताना चाहता है इस ग्राफ को देखते हुए, किसी को कोई चीज समझ में आ रही है कि ग्रीडी अप्रोच के अंदर, मैं तो बता ही दूंगा, क्या कोई बच्चा बताना चाहेगा कि ग्रीडी अप्रोच के अंदर इस ग्राफ में से कौन सी वाली वैल्यू, मैं कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मांग रहा आपसे, जनरली आपसे पूछ रहा हूँ, अगर कोई बच्चा बताना चाहे तो वो बता सकता है कि ग्रीडी अप्रोच के अंदर जो है वो आपके पास कौन सा वाला ग्राफ बनता है। कोई भी नहीं है, किसी का भी समझ में नहीं आ रहा, कोई तो बता दे बेटा। अच्छा, एक ने कहा है कि मे बी थर्ड नंबर, और एक कह रहे हैं कि आई थिंक फर्स्ट वाला। अच्छा एक मिनट, सेकंड, गुड। अच्छा एक मिनट में जरा, नोमान की बात, नोमान ने हैंड रेस किया है, नोमान सुन लेते हैं, नोमान क्या कह रहे हैं। जी नोमान सर, इसी का मैं जवाब देना चाह रहा था। जी जी बताएं बताएं। सेकंड, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा बेटा। सेकेंड वन सर। तो सेकेंड वन कैसे है, कैन यू एक्सप्लेन इट? सर इसमें लार्ज वो लिखा हुआ है ना। सेकेंड वन आप कौन सा कह रहे हैं आप, लॉग एन का? जी लॉग एन जो लिखा हुआ है सर। ठीक हो गया। अच्छा नहीं, ये जवाब आपका ये सही नहीं है। ठीक है, नहीं नहीं ये सही नहीं है। कोई और स्टूडेंट? अच्छा मेरे ख्याल में सबने वो ऑप्शन तो दिया है, लेकिन कोई समझा सकता है कि कैसे, कोई बताना चाहेगा कैसे? अच्छा देखें, मैं अब देखें, आप लोगों ने बताया तो सही, तुक्के तो लगाया सही सबने, जैसे किसी ने कहा वन, किसी ने कहा टू, किसी ने कहा थ्री, किसी ने कहा फोर। मैं आपको समझा देता हूँ। अब्दुल रहमान कह रहे हैं रिपीट करेगा, रिपीट क्या करेगा बेटा, क्योंकि रिपीट करेगा क्या, रिपीट करेगा। अच्छा चलो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन रिपीट, अच्छा क्वेश्चन रिपीट करूं। अच्छा रहमान, मैंने ये पूछा है कि हम लोग जो ये ग्रीडी एल्गोरिथम की, अभी हम लोगों ने एक अप्रोच पढ़ी है कि ग्रीडी एल्गोरिथम क्या करता है, वो फौरन से ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन की तरफ जाता है। जो लालच होती है ना इंसान की, वो ज्यादा से ज्यादा गेट करे। This is called the optimized solution of your problem, your any problem. तो उस scenario में अगर मैं इस graph को देखूं, तो ये जो graph मेरे पास open हो रहे हैं, इन graph में से आप क्या समझते हैं कि कौन सा वाला graph जो है वो greedy approach पे implement हो सकता है? Confirm नहीं मैं कह रहा, क्योंकि greedy approach इन सब में किसी पे भी हो सकता है। It depend upon your input and problem. देखें मैं ये वो नहीं कह रहा, अभी जो हम लोगों ने problem पढ़ी है, हम लोगों ने जो देखी उसके accordingly अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप लोग क्या कहेंगे कि कौन सी वाली प्रॉब्लम जाएगी इसमें? जी रहमान, आप समझ में आया? जी रहमान, आई एम वेटिंग फॉर यू ओनली।
नो अच्छा मैं समझा देता हूँ, देखें। ओ ठीक है, 1 मिनट जी असलान, 1 मिनट मैं आपको टाइम देता हूँ। पहले अर्ज रहमान जी, रहमान बताइएगा। रहमान बोले बेटा। सर, असल में मेरा अभी नेट इशू हो गया था, तो मुझे ना थोड़ा सा पीछे से ओवरव्यू दे देंगे तो सर बहुत अच्छा हो जाएगा, वरना कोई मसला नहीं, फिर आगे चल लेते अच्छा चले, आपको क्वेश्चन काम समझ ले नहीं आए, इट्स सकते ओके, हैं। कोई तो मसला नहीं है। हम इसको आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, नहीं तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, हम आगे चलते हैं, इट्स ओके। सर मैं ऐसे कर लूंगा। जी अरसलान। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, अस्सलाम। मुझे जो चीज समझ आई है, इनके लास्ट ग्राफ जो है वो जब बताया कि ग्रेडी अप्रोच में, अरसलान आपकी आवाज कट रही है, और थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। उसको जाएगा, 1 सिलेक्ट करेगा, और अगर उसमें 1 नहीं होता है, 8 है, तो फिर वो वापिस आता है 7 चेक करने के बाद, 10 को ड्रॉप करता है, फिर 8 लेता है, इस तरीके से लास्ट वाले ग्राफ मुझे लगता है। अच्छा वैसे जो अभी हम लोगों ने रहमान, आपको क्लियर वॉइस आ रही है? अभी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको। जी सर आ रही है, थोड़ा सा क्लियर कर देंगे तो बहुत अच्छा हो मैं जाएगा। क्लियर कर देता हूं। देखें रहमान, अभी हम लोगों ने हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हमने डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिथम की ग्रीडी अप्रोच पढ़ी है, ठीक है? मैं ग्रीडी अप्रोच आपको बता देता हूँ। अच्छा अरसलान आप वेट करें, आपने सही आंसर दिया है बिल्कुल, और आपने जो बताया वो बिल्कुल ठीक बताया। मैं जरा बता देता हूँ कि अरसलान ने क्या जवाब दिया है। अच्छा रहमान, आप काइंडली मुझसे सिर्फ एक चीज मुझे बताइएगा कि आपने कहाँ से मिस किया है, मैं वहां से स्टार्ट कर देता हूँ। रहमान सर ये जी जी सर मैं आपको सर पीछे करिए, ऊपर करिएगा। जी सर थोड़ा ऊपर, बस ये यही है बेटा, ऊपर वाली तो वो पुरानी है, यहीं से स्टार्ट ये। सर ये पूरा मिस कर दिया आपने। जी सर यहाँ से मैं थोड़ा सा, मैं जी चले सर मैं मेरा आपको ना, नेट इशू कर रहा था क्योंकि मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देता हूँ, ठीक है इट्स ओके। मैं क्विकली एक ओवरव्यू देता हूँ, आप काइंडली कंसंट्रेट सर कीजिएगा। ओवरव्यू दे रहे हैं, इंशाल्लाह फिर मैं वीडियो भी देख इंशाल्लाह लूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मैं जिन बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था मैं फिर दोबारा समझा देता हूँ, हो सकता है उनको मेरी प्रॉब्लम जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझ में आ जाए कि मैं पूछने के चाह रहा हूँ। देखें हमारे पास ग्रीडी एल्गोरिथम के अंदर क्या है कि हमें एक करेंसी प्रोवाइड की गई है 1, 2, 5 एंड 10, ठीक है? जैसे हमारी पीकेआर करेंसी है, इसके अंदर भी हमारे पास क्या होता है, 1, 2, 5 एंड 10 की करेंसी होती है, 1 का कॉइन, 2 का कॉइन, 5 का कॉइन और 10 का नोट होता है हमारे पास, ठीक है? तो अब मुझे एक प्रॉब्लम दी गई कि मुझे 18 कैलकुलेट करना है। तो 18 कैलकुलेट करने के लिए ग्रीडी अप्रोच में मैं क्या करूंगा, सबसे जो मैक्सिमम जो कॉइन होगा मेरे, जो सब मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या है, 10। मैं सबसे पहले 10 उठा लूंगा। जब मैंने 10 पिक कर लिया तो मेरे पास 18 मुझे कैलकुलेट करना था, तो उसमें से रिमेनिंग कितना बचा मेरे पास, 8, ठीक है? अब मुझे 8 कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो 8 कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि आपके पास एक वो जो कॉइन्स जो बचे हैं, जो कॉइन है आपके पास टोटल बचे, तो खैर सारी कॉइन अवेलेबल है आपके पास, बचा तो कुछ नहीं, जिसमें से जो मर्जी उठा सकते हैं आप, लेकिन 10 हम नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि 8 जो है वो 10 से बड़ा है, सॉरी 10 जो है वो 8 से बड़ा है, तो हमें 10 से 8 से कोई, या 8 या 8 से कोई छोटी वैल्यू तो वो हमारे पास है नहीं, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास 5 है। तो हमने क्या किया, अब हमने एक 5 का कॉइन पिक कर लिया। जब 5 का कॉइन पिक कर लिया तो रिमेनिंग कितने बचे हमें, 18 करने के लिए हमें 3, 18 में से आउट ऑफ 3, तो 3 अगर हमें करना है तो 3 के इक्वल हमारे पास करेंसी के अंदर कोई अवेलेबल नहीं है। हाँ 3 से छोटी वैल्यू है जो उसके बिल्कुल नियरेस्ट है और बड़ी है, और ग्रीडी एल्गोरिथम कहता है कि अवेलेबल वैल्यू के अंदर जो बड़ी है वो उठा लो, अवेलेबल वैल्यू के अंदर 2 बड़ा है तो हमने 2 उठा लिया, ठीक है? तो हमने क्या किया, 2 का कॉइन पिक कर लिया। अब हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा है, 1, ठीक है? तो अब जो 1 हमारे पास बचा है, तो अब हमने इसको 1 को ऐड किया और हमारे पास जो है वो हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ गया। क्या सोल्यूशन आ गया कि हमें 18 काउंट करना था, और हमने 18 काउंट करने के लिए हमारे पास जो करेंसी अवेलेबल थी वो ये थी 1, 2, 5 एंड 10। तो हमने
जब हमने 18 कैलकुलेट किया विद दी ग्रीडी अप्रोच तो हमें कितने स्टेप्स लगे, हमें टोटल 4 स्टेप्स लगे, ठीक हो गया। तो ये इस इन दिस सिनेरियो दिस प्रॉब्लम के लिए एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो सकता है। अगली बात क्या थी कि अब हमारे पास एक और करेंसी है जिसके अंदर 1, 7 और 10 हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। 1, 7 और 10 ये हमारे क्या है, करेंसी के कॉइन्स है, ठीक हो गया। तो 1, 7, 10 करेंसी कॉइन्स है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, 18। अगर मुझे 1, 7, 10 करेंसी अवेलेबल है और 18 कैलकुलेट करना हो तो मैं कितने स्टेप्स में कैलकुलेट कर लूंगा, सिर्फ 3 स्टेप्स में, अगर मैं ग्रीडी अप्रोच को अप्लाई कर रहा हूँ। तो ग्रीडी अप्रोच मुझे क्या कहती है कि इसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो उठा लो, और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 10, ठीक है। तो 10 मैंने उठा लिया, 18 में से कितने बचे, 8। अब वो बोलेगा कि 8 के बराबर कौन सी बड़ी वैल्यू है, 7, हमने 7 ले लिया, उसके हमने 1 ले लिया। तो ये क्या हुआ, हमारे पास इस वाली करेंसी के अंदर हमारे पास जो 18 की कैलकुलेशन हुई वो 3 स्टेप्स के अंदर हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसी करेंसी को यूज करते हुए, अब वो कह रहा है कि आप 15 कैलकुलेट करें। अगर हम 15 कैलकुलेट करते हैं तो 15 कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमने ग्रीडी अप्रोच अप्लाई करी तो हमने सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू उठा ली, ठीक है। तो हमने सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी उठाई, 10 जो इसमें अवेलेबल थी वो हमने ले ली। अब कितना बचा पीछे, 5। तो 5 के लिए हमारे पास इसमें कोई नियरेस्ट वैल्यू नहीं है, तो 5 7 से छोटा है और 1 हम उठा सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले 10 उठाया, फिर उसके बाद हमने 1 1 1 1 1। तो ग्रीडी अप्रोच अप्लाई करते हुए अगर हमें इस करेंसी कॉइन्स के लिए अगर हमें 15 की कैलकुलेशन करनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 6 स्टेप्स लेने पड़ेंगे, 6 टाइम जो है वो हमें 6 कॉइन लेने पड़ेंगे, यानी कि एक दफा 10 का कॉइन, फिर 1 1 1 1 1 का 6 दफा कॉइन हमें लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसकी ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन की तरफ जाऊं, ग्रीडी अप्रोच की तरफ ना जाऊं, तो इस वाली करेंसी के अंदर हमारे पास एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन भी है, वो क्या है, वो ये है, यानी कि मैं 7 एक दफा और 7 दूसरी दफा उठा के और एक दफा 1 ले लूंगा, तो क्या होगा कि हम सिर्फ 3 कॉइन्स उठाएंगे और हम अपना डिजायर्ड वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इसकी मैं आपको समझने के लिए बहुत अच्छी एग्जाम्पल देता हूँ। आपको याद होगा जब आप किसी भी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में या बड़े स्टोर्स में जाते हैं, सुपर स्टोर्स में, तो वहां आप देखते हैं कि वहां जब आप उसको कोई अमाउंट देते हैं, जैसे बोलते आपने 1,000 रुपया दिया, तो 1,000 में से वो करेंसी का जो आपके जो बिल बनता है, बिल बनने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होते हैं उसके वो कॉइन्स आपको काउंट करके दे देता है, आपको नहीं नजर आ रहा होता, लेकिन वो सामने जो कैशियर पड़ा होता है उसको कॉइन नजर आ रहे होते हैं। वो अपनी वो ट्रे खोलता है, ट्रे के अंदर आपने देखा है कि 1,000 के नोट अलग रखे होते हैं, 500 के नोट अलग रखे होते हैं, 100 के नोट अलग रखे होते हैं, 50 के अलग, 10 के अलग और सिक्के अलग। तो वो जो उसके सामने रिजल्ट आ रहा होता है उसके ऊपर ये रिजल्ट आ रहा होता है कि अगर उसकी जो अवेलेबल करेंसी है, यानी कि इस करेंसी के अकॉर्डिंगली उसके पास क्या रिजल्ट आ रहा होता है कि 10 एक दफा लो और 5 जो है ना वो 1 के सिक्के निकाल के दे दो, ठीक हो गया। इज दैट क्लियर, यहाँ पे मीटिंग मेरी एंड हो रही है, और फौरन आप तमाम बच्चे दूसरी मीटिंग अटेंड करें, क्योंकि मुझे वो अरसलान ने जो जवाब दिया मुझे